कहावत है कि इंसान को जिंदगी बिताने के लिए एक साथी की जरूरत होती है और समाज की व्यवस्था के अनुसार शादी इस जरूरत को पूरा करती है। समाज ने शादी करने की उम्र अपने नियमों के मुताबिक तय की हुई है। आम बात है कि उस तय उम्र के अनुसार शादियां हों, मगर जो खबर हम आपके लिए लाए हैं वो स्वर्गीय जगजीत सिंह की उन पंक्तियों को सच करती है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक 71 साल के बुजुर्ग द्वारा दूसरी शादी किए जाने की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि जो जीवन संगिनी बनी है वो भी विधवा है और शादी की तस्वीर साझा करने वाली और कोई नहीं बल्कि बुजुर्ग की अपनी ही बेटी है, जिसने शादी की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए बेहद ही भावुक संदेश लिखा कि ये मेरे 71 वर्षीय पिता हैं, 5 वर्षों तक विदुर रहने के बाद दोबारा शादी कर रही हैं और वो भी अन्य विधवा के साथ। मेरी हमेशा से यही चाहत थी कि उनकी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि कोई भी अकेला होने का हकदार नहीं है। वहीं इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से ही लोगों का बेशुमार प्यार इन नव विवाहित दंपत्ति के लिए देखने को मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, मुझे खुशी है कि आपके पिता की दोबारा शादी हो गई। मेरा मानना है कि हर शख्स को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। लोगों की परवाह कौन करता है, उन्हें एक दूसरे की मदद करनी है ना कि लोगों की। तो वहीं कोई अपनी राय देने से भी नहीं चूक रहा। एक यूजर लिखते हैं कि अपने पिता की देखभाल करो, उनको अभी भी आपके प्यार और समर्थन की जरूरत होगी। मेरे माता पिता की शादी को 65 साल हो चुके हैं, दोनों हर समय एक दूसरे के लिए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इस पर आपका क्या कहना है, इस वायरल तस्वीर पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।